आईपीएल 2024 की नीलामी में अब बस कुछ दिन का वक्त ही बाकी है। ऐसे में आईपीएल की नीलामी से पहले करेंटली चल रही ट्रेड विंडो में काफी सारी टीमें हमें अपने अपने प्लेयर्स को ट्रेड करने में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं। इन ट्रेड प्लेयर्स के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और एसआरएच के बीच में 2 से 3 ट्रेड अभी करेंटली हमें प्रोग्रेस में नजर आ रही है। दरअसल एलएचसी की साइड से क्विंटन डीकॉक हमें जल्दी ही कोलकाता नाइट राइडर्स को ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहीं एसआरएच से ट्रेड होकर मयंक अग्रवाल जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में आए थे वो एलएसडी की टीम में ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपनी टीम के मैनेजमेंट से खुश नहीं है। दरअसल जब से गौतम गंभीर केकेआर की टीम में आए हैं तभी से वो नीतीश राणा को कैप्टन बनाने के लिए काफी टाइम से एडवोकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर को अगर कप्तान नहीं बनाया जाता है तो केकेआर की टीम को छोड़कर किसी दूसरी आईपीएल टीम जहां पर उनको कैप्टन बनाया जाएगा वहां पर ट्रेड होने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ट्रेड की अपडेट राजस्थान रॉयल्स की टीम से भी निकलकर आती है, जहां पर आरआर की टीम मुंबई इंडियंस और उनके साथ ही आरसीबी के साथ 2 अलग अलग प्लेयर ट्रेड यानी कि ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल की ट्रेड के लिए लगातार बातचीत कर रही है। ट्रेड की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी पिछले काफी टाइम से अपनी टीम में एक मिडिल ऑर्डर इंडियन प्लेयर को ट्रेड करने का ट्राई कर रही है और ये पीबीकेएस और उनके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ लगातार बातचीत में है। ऐसे में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7 ट्रेड हमें आईपीएल की नीलामी से पहले कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगी। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोग ट्रेड विंडो के आखिरी वीक में कौन कौन से प्लेयर्स को टीमें बदलते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।